आज डिस्कस करेंगे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर के बारे में। ये क्या-क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर के बारे में बात करेंगे। ये तीनों हमारे व्हीकल्स के अंदर यूज़ होते हैं, जो हमारी व्हीकल्स हैं, जो रोड व्हीकल्स हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। तो क्या-क्या यूज़ हैं इनके, वो देखते हैं। तो हमने ये तीन फिगर बनाई हैं स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर क्या काम करता है? जो स्पीडोमीटर है ये हमारी व्हीकल की इंस्टेंट स्पीड को बताता है। इंस्टेंट स्पीड मतलब किसी भी क्षण की स्पीड। जब हम स्पीड देते हैं गाड़ी को तो स्पीडोमीटर के अंदर जो ये सुई है ये हमारी 10, 20, 30, 40 ऐसे इंक्रीज होती रहती है। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है कि जो हमारी व्हीकल है वो इंस्टेंटली उस टाइम कितने स्पीड पे चल रही है। वो 10 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड है। ये प्रति हावर में बताता है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर की स्पीड पे हम चल रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति हावर है, 20 किलोमीटर प्रति हावर है, 30 किलोमीटर प्रति हावर है। तो इस तरह से जब हम एक्सलरेशन बढ़ाते हैं, या फिर इसको स्पीडोमीटर नाम ही इसलिए दिया गया है कि जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये स्पीड की हमें बताता है ये कितनी स्पीड है गाड़ी की इस टाइम, तो उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। ये हमें मिलती है व्हील से। जो हमारी गाड़ी का व्हील होता है वहाँ से जो स्पीड मिलती है वो ये मीटर दिखाता है कि जो व्हील है हमारा कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है। तो अरेंजमेंट के थ्रू हम व्हील की स्पीड को इस स्पीडोमीटर के ऊपर ले लेते हैं। उससे ड्राइवर को पता चलता है कि वो कितनी स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये स्पीडोमीटर होता है। दूसरा है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर भी स्पीडोमीटर की तरह होता है, लेकिन ये RPM बताता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट में आपका इंजन कितना मूव कर रहा है। यहाँ पे जो व्हील की स्पीड थी वो बता रहा था स्पीडोमीटर, यहाँ पे जो टैकोमीटर है वो इंजन की स्पीड बताता है। इंजन किससे कनेक्ट होता है आगे? क्रैंकशाफ्ट से। तो मीन्स हम इसको क्रैंकशाफ्ट से मापते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट की रेवोल्यूशन है वो पर मिनट कितनी है, तो उससे हमें इंजन की स्पीड का पता चलता है। तो टैकोमीटर हमें क्या बताता है कि जो हमारा इंजन है उसके RPM कितने हैं 1 मिनट में। वो 40 हैं, 80 हैं, 120 हैं, 160 हैं, 200 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, कितने भी हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट बताएगा कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन आपका इंजन ले रहा है। तो टैकोमीटर हमें इंजन की स्पीड के बारे में बताता है। स्पीडोमीटर हमें व्हीकल की स्पीड के बारे में बताता है जो हमें व्हील से मिलती है। टैकोमीटर हमें इंजन की स्पीड के बारे में बताता है जो हमें क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये गियर बॉक्स की हेल्प से व्हील हमारा स्पीड पकड़ता है और ये क्रैंकशाफ्ट इंजन की हेल्प से स्पीड पकड़ती है। तो दोनों के RPM और या फिर दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक तरह का मीटर है जो कि हमें बताता है कि हम कितना डिस्टेंस चल चुके हैं, कितना ट्रैवल कर चुके हैं, कितने किलोमीटर हम जा चुके हैं। जैसे 0 किलोमीटर से हमने 10 किलोमीटर चला तो ये 10 किलोमीटर ओडोमीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से जितने किलोमीटर हम मूव करेंगे, हमारी जर्नी होगी, तो ये किलोमीटर काउंट होते रहते हैं। ये हमारी बाइक के अंदर होता है, कार के अंदर होता है ये मीटर सारे। तो अच्छी अच्छी बाइक्स में होते हैं ये तीनों मीटर, और डिजिटल भी होते हैं ये। तो ये मीटर जो ओडोमीटर है ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल बताता है। और इस ओडोमीटर के अंदर एक और सेटिंग होती है कि हम ट्रिप की सेटिंग कर सकते हैं। ट्रिप मतलब कि ये तो होगी टोटल, जो हमने स्टार्टिंग में गाड़ी ली और अब तक की कितनी रीडिंग है इसके अंदर। ट्रिप मतलब अगर मैं घर से चला हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो कितने किलोमीटर चला। तो ट्रिप हम 0 भी कर सकते हैं बार बार, इसको हम 0 नहीं कर सकते, इस ट्रिप को हम बार बार 0 करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर में यही डिफरेंस है कि स्पीडोमीटर हमें व्हीकल की इंस्टेंट स्पीड बताता है,
टैकोमीटर हमें इंजन की स्पीड बताता है आरपीएम में, और ओडोमीटर हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है हम कितना कर चुके हैं। तो ये तीनों मीटर अलग अलग तरह से व्हीकल के अंदर हेल्प करते हैं ड्राइवर की कि वो अपनी व्हीकल को अच्छी तरह से समझ सके। तो ये थे हमारे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ TE टैकोमीटर के अंदर TE की जगह TA है, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, TA टैकोमीटर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।